मित्रों, हम जब भी पूजन करते हैं तो बाहर जगत की जो प्रतिमाएं रहती हैं हम उनका पूजन करते हैं, लेकिन हमारे अंतर जगत में जो परमात्मा बैठा है उसका हम पूजन नहीं करते। हमारे शास्त्रों में, पूजा पाठ में षट कर्म का विधान है, लेकिन वो सिर्फ चिन्ह मात्र होकर के रह गया है। उसके बारे में हम लोग सही तरीके से समझ नहीं पाते हैं। आज हम उस क्रिया को समझाने का आपको प्रयास करेंगे कि अपने अंदर के देवता को हम कैसे जागृत करें। यदि आपको जीवन में अध्यात्म उन्नति करना है, आगे बढ़ना है, अध्यात्म के प्रति यदि आपकी रुचि है, आप गायत्री मंत्र को सार्थक बनाना चाहते हैं, गायत्री मंत्र आपके जीवन में सफल हो, आपको सिद्ध हो, तो फिर आपको अपने अंदर के देवता को, अंदर की गायत्री माता को आपको जागृत करना पड़ेगा। तो वो किस प्रकार से करना पड़ेगा, चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः, तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रो, एक प्रसंग के माध्यम से मैं अपनी बात को आपको समझाने का प्रयास करूँगा। एक बार भगवान ने मनुष्य रूपी एक पुतला बनाया, लेकिन जब उस पुतले को बनाया और आगे उसके भविष्य के बारे में जब उसने सोचा तो ईश्वर भी बड़ा भयभीत हो गया कि आगे चल करके यह मेरे लिए बड़ा घातक सिद्ध हो सकता है। तो उन्होंने तुरंत आपातकालीन बैठक बुलाई, सारे ऋषि मुनि देवतागण उसमें उपस्थित हुए, सभी को उन्होंने उस प्रतिमा के बारे में बताया कि भाई मैंने यह एक पुतला बनाया है जिसका नाम मनुष्य रखा है, लेकिन इसके जो भाग्य को मैं देख रहा हूँ आगे चल करके ये मुझे बहुत परेशान करेगा, तो कैसा किया जाए। तो किसी ने बोला कि आप हिमालय पहाड़ पर जाकर के चले बैठ जाएं। तो भगवान ने बोला कि आगे चल करके ऐसे लोग आएंगे जो हिमालय की केवल ऊंचाई नापने के लिए आएंगे, हिमालय पर अपना ग्रीनिज बुक में नाम दर्ज कराने के लिए ऊपर चढ़ेंगे, और वहाँ यदि मान लो मुझे देख लिया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो किसी ने बोला कि आप समुद्र के नीचे चले जाएं। तो बोले लोगों का इतना खुरापाती दिमाग रहेगा कि वो समुद्र के नीचे भी द्वारकापुरी को खोजने के लिए आएंगे, नाना प्रकार की चीज़ों को खोजने के लिए आएंगे, और वहाँ यदि मान लो मुझे पकड़ लिया तो बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी, क्योंकि इसकी डिमांडें बहुत हैं, इसकी इच्छाएँ बहुत हैं। तब किसी ने बोला कि आप मंदिर में जा कर के बैठ जाएं। तो बोले मंदिर में तो और ज़्यादा मुसीबत हो जाएगी, मुझे सोने तक नहीं देंगे लोग, 4 बजे रात से घंटा बजाना चालू कर देंगे, और सुबह से जो इनकी लाइन लगेगी दिन भर लाइन लगी रहेगी, इतनी अनंत इच्छाएं लोगों की रहेंगी तो मैं कैसे पूरी करूँगा। बहस चल ही रही थी तभी एक वृद्ध ऋषि ने भगवान के दोनों हाथ जोड़ करके बोला कि महाराज, आप एक काम करें, आदमी के मन के अंदर बैठ जाएं। इंसान आपको दुनिया में सब जगह खोजेगा लेकिन अपने अंदर नहीं खोजेगा। तो सुना है कि तब से भगवान जो है आदमी के अंदर बैठ गया है, इसलिए हम बाहर जगत में भगवान को खोजते रहते हैं। मित्रों, जब हम पूजा करते हैं तो हम जो है, यदि अपने घर में पूजन कर रहे हैं तो जो हमारी प्रतिमा है, जो हमारी फोटो है, हम उसको साफ करते हैं, चंदन इत्यादि लगाते हैं, फूल पुष्प चढ़ाते हैं, धूप दीप नैवेद्य चढ़ाते हैं, मंदिर में जाते हैं, शंकर जी को नाना प्रकार की चीज़ें चढ़ाते हैं। अब वो जो सामान जो हम चढ़ाते हैं भगवान के लिए, मिष्ठान इत्यादि चढ़ाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, रुपया पैसा चढ़ाते हैं, वो कोई भगवान के पास तो जाता नहीं, वो जाता किसके पास है, पुजारी के पास जाता है, और पुजारी के बच्चे उसको खाते हैं, लेकिन ईश्वर का के पास में वो कभी भी नहीं जाता है। तो इसलिए हमारे षट कर्मों में जो है वो विधान है न्यास का, कि न्यास के द्वारा हम अपने अंदर की देव शक्तियों को कैसे जागृत करें।
उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन का मैल नहीं धोया तो, मन का मैल नहीं धोया तो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने यदि अपने मन के अंदर के मैल को नहीं साफ किया जहाँ की भगवान विराजमान होने के लिए आ रहे हैं, तो फिर कैसे होगा। हमने बाहर की प्रतिमा को साफ कर दिया, मंदिर में जा कर के जो है सब कुछ चढ़ा करके आ गए, पूजा पाठ करके आ गए, लेकिन अंतर जगत में जो परमात्मा बैठा हुआ है, अंतर जगत में जो गायत्री माता हमारी बैठी हुई है, क्या उसके बैठने के लिए आपने स्थान को साफ किया है, आपने उस स्थान को पवित्र किया है। इसलिए पवित्रीकरण का कर्मकांड किया जाता है। आप बोलेंगे पवित्रीकरण पंडित जी क्यों करा रहे हैं, हम तो स्नान ध्यान करके सब कुछ आ गए हैं, तो छोटे से एक चम्मच जल से हमारा शरीर कैसे पवित्र हो जाएगा। नहीं, उस पवित्रीकरण के माध्यम से हम उस स्थान की सफाई करते हैं, उस जगह की सफाई करते हैं जहाँ पर कि ईश्वर आकर के विराजमान होने के लिए जा रहा है। तीन बार हम जल से आचमन करते हैं, मन वचन और कर्म से हम शुद्ध होना चाहते हैं। हमारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये तीनों पवित्र होना चाहिए। इसके पश्चात में हम शिखा बंधन का कर्मकांड करते हैं। ये जो चोटी है जिसके लिए आजकल हमारे लोगों ने फैशन के माध्यम से उसको कटा लिया है, लेकिन चोटी वो स्थान है जहाँ पर कि देव शक्तियों की पूरी प्राण ऊर्जा जो है इसी स्थान से हमारे अंदर प्रवेश करती है। इसलिए शिखा के स्थान को पवित्र किया जाता है कि जब हम पूजन करते हैं तो जो रेज हैं, जैसे आपके घर में यदि एंटीना ना हो, अब तो आजकल एंटीना की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन यदि आपके घर में एंटीना ना हो तो आपके घर में टीवी नहीं आएगी, टीवी का जो है वो चित्र दिखाई नहीं देगा। इसी प्रकार से एक एंटीना का काम करता है। तो इस जगह से जो है हमारे मस्तिष्क के अंदर जो है विचार, जो ब्रह्मांड में विचार फैले हुए हैं, जो देव शक्तियाँ हमें देना चाहती, जो देव शक्तियाँ हमारे अंदर विचार प्रेषित करती, अब उस स्थान को यदि हमने पवित्र नहीं किया है, वो स्थान यदि गंदा है, तो वो विचार हमारे अंदर प्रवेश कैसे करेंगे। हम पूजन करते हैं लेकिन हमें ये लगता है कि हमें आचार्य जी के दर्शन नहीं हो रहे, हमें ईश्वर के दर्शन नहीं हो रहे, हमें किसी प्रकार की कोई भी प्रेरणा नहीं मिलती, कहाँ से प्रेरणा मिलेगी। यदि आपने उस स्थान को साफ नहीं किया है, उस स्थान को पवित्र नहीं किया है, तो इसके बाद हम प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम में क्या होता है कि हम अपने सांस को रोकते हैं और छोड़ते हैं, यानी हमारे अंदर के जितने भी विकृति हैं हम उनको बाहर निकाल देते हैं। जब तक आप अपने घर के अंदर के कूड़े कचरे को बाहर नहीं निकालेंगे, आप यदि किसी मकान में रहने के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको घर की साफ़ सफाई करना पड़ती है, उसके अंदर के पूरे कूड़े करकट को बाहर फेंकना पड़ता है, तब जा करके आप उस घर में प्रवेश कर सकते हैं। तो जिस जगह पर आप माँ गायत्री को विराजमान करने के लिए जा रहे हैं, जिस जगह पर माँ गायत्री विराजमान है, उस जगह को आपको साफ करना पड़ेगा, उस जगह के कूड़े करकट को आपको दूर करना पड़ेगा। तो जब तक आप उस कूड़े करकट को दूर नहीं करेंगे, तब तक क्या होगा, माँ गायत्री वहाँ पर विराजमान नहीं होगी। इसी प्रकार से मुख जो होता है वो न्यास की क्रिया होती है। न्यास की क्रिया में हम पहले मुंह को साफ करते हैं, मुंह का कर्मकांड करते हैं। हमारे अंदर सारे देवता विराजमान हैं, ब्रह्मा जो कि सृष्टि की रचना करता है, व्यक्ति सृष्टि की रचना करता है, व्यक्ति और पति और पत्नी के माध्यम से एक नए शिशु का जन्म होता है। गुरु भी यहीं विराजमान, हमारे मुंह से हम अच्छे शब्द बोलते हैं तो कौन बोल रहा है, गुरु बोल रहा है, और यदि गलत शब्द बोल रहे हैं तो कौन बोल रहा है, चांडाल बोल रहा है। तो जितनी भी देव शक्तियां हैं वो सारी के सारे हमारे अंदर विराजमान हैं, और इन शक्तियों को जागृत करने का क्षमता, जागृत करने की जो क्षमता है वो किस में है, गायत्री मंत्र में है। गायत्री मंत्र के पूरे 24 अक्षर जो हमारे अंदर के हमारे अंदर बैठ हुई 24 शक्तियों को जागृत करती है। तो सबसे पहले हम मुख को जागृत करते ताकि हमारे मुंह से अच्छी वाणी निकलना चाहिए, हमारे मुंह से कुछ इस प्रकार का अपशब्द नहीं निकलना चाहिए। तो हमारे मुंह से अच्छे वेदों के मंत्र निकलें,
अच्छी बातें निकलें, लोगों के लिए हम ज्ञान की बातें दें। इसके बाद में नाक के दोनों छिद्रों को, यदि आपकी श्वास ही खत्म हो जाए तो फिर जीवन कहाँ रहेगा। इससे हमें प्राण ऊर्जा मिलती है, इसलिए इस स्थान को हमें, इस देवता को हमें पवित्र करना चाहिए। आँखों को पवित्र करते हैं, हमारी आँखें क्या देखती है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है, हम मैं से आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन जब व्यक्ति अपनी आँख के देवता को जागृत करता है तो उसको सारा संसार अपना लगने लगता है। जिस दिन आपको सारा संसार अपना लगने लगे उस दिन यह कर्मकांड आपको सफल होता है। कान के जो देवता हैं, हम अपने कानों से अच्छी बातें ही सुने। ब्रह्मांड में कितनी चीज़ें हैं जो ध्वनियों के रूप में आती रहती हैं। जब हम पूजन करते हैं तो यदि हमने वहाँ पर ईश्वर को विराजमान किया है, वहाँ की ईश्वर शक्तियों को जागृत किया है, तो फिर हमारे कानों में अच्छी चीज़ें ही आएंगी, बुरी चीज़ें हमारे कानों में सुनाई नहीं पड़ेंगी। हाथों में, जंघों में, यानी हमारी जो है शक्ति बलिष्ठ होनी चाहिए। हम अपनी शक्ति को जो है अच्छे कार्यों में लगाएं, बुरे कार्यों में ना लगाएं। पैरों की जंघों को के जो ईश्वर है उसको हम जागृत करते हैं, यानी हमारे पैर जो हैं हमेशा अच्छे कार्यों में जाना चाहिए, बुरे कार्यों के लिए नहीं जाना चाहिए। आप मंदिर भी जा सकते हैं इन्हीं पैरों से, और आप मदिरालय भी जा सकते हैं इन्हीं पैरों से। तो ये कर्मकांड करने का, ये न्यास का सबसे बड़ा महत्व होता है, जिससे कि हम देव शक्तियों को जागृत करते हैं। और ये यदि हमारी देव शक्तियाँ जागृत हो जाए, हमारी वाणी जागृत हो जाए, हमारी प्राण ऊर्जा जागृत हो जाए, हमारी आँखों की दृष्टि बदल जाए, हमारे कानों की क्षमता बदल जाए, हमारे हाथ जो है अच्छे कार्य करने के लिए उठने लगें, हमारे पैर जो है अच्छे कार्यों के लिए जाने लगें, तो फिर निश्चित रूप से हमारी गायत्री माँ की जो साधना है वो सफल होती है। पृथ्वी की पूजन हम क्यों करते हैं? क्योंकि व्यक्ति का जो शरीर है, जो भगवान ने जो पुतला बनाया, वो किससे बनाया? ये पंच तत्वों से बनाया है। तो एक ना एक दिन व्यक्ति जो है इन्हीं पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जब आप सो करके उठते हैं तो सर्वप्रथम पृथ्वी माता के चरण स्पर्श करना चाहिए, क्योंकि इसी में हमको मिल जाना, ये हमारी माता है। जब हम इसमें गड्ढा खोदते तो नाराज नहीं होती, बल्कि हमें शुद्ध जल देती है, शीतल जल देती है। जब किसान इसकी छाती को चीरता है तो वो नाराज नहीं होती, बल्कि उसको जो है खाने के लिए अनाज देती है। तो इतनी करुणामयी है। तो इससे हमें क्या शिक्षा लेना चाहिए? हमारा जो मन है वो करुणा से भरा होना चाहिए, द्वेष से भरा नहीं होना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सारी चीज़ें हमारी खत्म हो जानी चाहिए। तो हमें अपने अंदर के देवता को जागृत करना चाहिए। जिस दिन हम अपने अंदर के देवता को इन कर्मकांडों के माध्यम से समझ करके यदि हम नित्य जो पूजन करते हैं और अपने अंदर के देवताओं को हम यदि जागृत कर लेते हैं, तो फिर माँ गायत्री के दर्शन आपके लिए दुर्लभ नहीं रहेंगे। माँ गायत्री तो समक्ष सदैव आपके अंदर विराजमान है, लेकिन आपको अपने बाहर के, अपने अंदर के देवता को पहले स्वच्छ करना पड़ेगा, वहाँ पर उसको विराजमान करना पड़ेगा, ताकि वो चीज़ आपको फलित हो सके। इसलिए कर्मकांडों के पीछे यह विधान है कि सबसे पहले अपने अंदर के देवता को जगाएं। लेकिन हम क्या काम करते हैं? बाहर के देवता को जगाते हैं, जो कि है नहीं। ईश्वर बाहर नहीं है, ईश्वर हमारे अंदर ही है। हम मंदिर जाते हैं, वहाँ नाना प्रकार की मिठाइयाँ चढ़ा करके जाते हैं, नाना प्रकार के फल फूल चढ़ा के जाते हैं, लेकिन वो ईश्वर के पास थोड़ी जाते हैं। हमने अपने अंदर के भगवान को जगाना पड़ेगा। तो जब तक आप अपने अंदर के भगवान को जागृत नहीं करेंगे, तब तक आपकी साधना सफल नहीं होगी। तो आशा मित्रों, एक छोटे से प्रसंग के माध्यम से हमने अपनी इस बात को समझाने का प्रयास किया है कि अपने अंदर के देवता को कैसे जागृत करें। और हमारे अंदर की जो 24 देवताएं हैं, उनको जागृत करने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ गायत्री मंत्र में है। गायत्री मंत्र आपकी समस्त 24 देव शक्तियों को जागृत करता है, उसमें वो शक्ति है। इसलिए गायत्री मंत्र सर्वोपरि मंत्र माना जाता है। तो जो भी व्यक्ति इसका जाप करता है, उसको पहले अपने अंदर के देवत्व को जगाना चाहिए, अपने अंदर के देवता को जो है उसकी पूजन करना चाहिए, तो फिर निश्चित रूप से आपकी साधना सफल होगी। इन्हीं कामनाओं के साथ में मित्रों, के आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों को बनी रहे। हाँ, और यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आपको लगता है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, तो आप ज़रूर करें।
कोई बंधन नहीं है। यदि आपको लगता है कि नहीं करना चाहिए तो कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं है। हाँ, लेकिन वीडियो पसंद आने पर जो हमारे इष्ट मित्र हैं, जो हमें प्यार करते हैं, उनसे हम हमेशा निवेदन करते हैं कि हमारे विचारों को, ये जो कि हमारे विचार नहीं है, परम पूज्य गुरुदेव के विचार हैं, आप उन्हें जन जन तक पहुँचाने का प्रयास करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ ले सकें। आज इतना ही। नमस्कार।